हेलो फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे कितने टाइप के ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं। उसको जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, EEG। जैसे हम लोग हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर, उसी तरह इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इसमें क्या करते हैं कि फोर टाइप्स के डिफरेंट वेव्स होते हैं, डिफरेंट रिदमिक ब्रेन वेव्स होते हैं। फोर टाइप्स के डिफरेंट रिदमिक वेव्स होते हैं। इसमें नाम है, पहला है अल्फा वेव, बीटा वेव, थर्ड थीटा वेव एंड लास्ट वन डेल्टा वेव। सो अल्फा वेव जो होते हैं ये वेरी प्रोमिनेंट वेव्स हैं, यानी इसका जो रहता है 10 to 12 साइकिल पर सेकेंड, हर्ट्ज़ सेकेंड या हर्ट्ज़ नहीं बोलते इसको, फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, ये इस पे 10 to 12 साइकिल होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट वेव ये कहता है मोस्ट प्रोमिनेंट वेव अकर ड्यूरिंग क्विक कंडीशन, क्विक आप जितना क्विक कंडीशन है कंडीशन इस तरह का वेव आपको, तो ये 10 से 12 साइकिल। दूसरा जो वेव आपकी जरूरत होती है बीटा, तो ये क्या होते हैं करीब करीब इसकी जो वेव की साइकिल होती है 50 से 60 के बीच में होती है। तो ये कब होते हैं, जनरेट ड्यूरिंग जनरेट ड्यूरिंग टेंशन स्टेज। तो ये टेंशन स्टेज जैसे है आपका, आपके उस समय आपके ये जो आपका अल्फा वेव है, ये अल्फा वेव होता है स्लीप, ये डिसअपीयर ड्यूरिंग स्लीपिंग कंडीशन, डिसअपीयर ड्यूरिंग स्लीपिंग कंडीशन, स्लीपिंग कंडीशन आपका डिसअपीयर। और ये टेंशन के समय ज्यादा ये आपके जो वेव्स होते हैं टेंशन के समय बीटा होते हैं, और इंटेंस एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो अगर आप एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, अगर ब्रेन की ज्यादा एक्टिविटीज है, आप ज्यादा मेंटल डिफ्यूजन है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, आप ज्यादा तेजी से आप किसी चीज को बहुत फास्ट आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उस समय आपका ये बीटा वेव ज़्यादा उसकी वेव इस स्टेज में। तो आदमी को क्या करना पड़ता है, जो इंसान को यानी कि बीटा वेव से उसको शिफ्ट करना पड़ता है अल्फा वेव। तो जैसे जैसे आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, माइंड पे फोकस करेंगे, इवन आप शांत रखेंगे, तो ये क्या करेगा कि आपका बीटा से ये आपका अल्फा वेव में, तो अल्फा वेव जो भी कंडीशन में आदमी थोड़ा शांत रह सकता, नहीं तो फिर वो बीटा कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा, डिफ्यूज रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग तीसरा आते हैं थीटा वेव। थीटा वेव देख लेते क्या है, थीटा वेव क्या है। ठीक है इसमें जो है आपका ये, इसमें इसका जो साइकिल होता है 5 to 1 साइकिल पर सेकंड, कितना है साइकिल पर सेकंड, इसमें जो है साइकिल इतनी हर्ट्ज़ पर। अब ये मोस्ट प्रोमिनेंट इन चिल्ड्रेन अप टू 2 to 5 years एज, ये एज ग्रुप में जो होते ज्यादा थीटा वेव आता है। जो छोटे बच्चे हमेशा रहते हैं आपका, हमेशा एक्टिविटी में क्या रहता है, अलर्ट रहते हैं, ये रहते हैं इधर क्या करें, हमेशा उनका माइंड स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, और दूसरा है कि चिल्ड्रन में होता है, दूसरा होता है कि करीब करीब 1 से 5 साइकिल पर सेकेंड, ये नहीं होता इसका फ्रिक्वेंसी, और 1 से 5 हो गए कभी चल रहा है, ये क्या हो रहा है rarely found in human brain।
कंडीशन में बोलते हैं ब्रेन डेड भी हो गया है, ब्रेन डेड भी बोलते हैं। दूसरा इसमें हम लोग कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिकेट ब्रेन डैमेज, क्या करता है इंडिकेट ब्रेन डैमेज, इंडिकेट various type of the wave generated during the various condition, mental condition of the mental condition of the brain. So alpha wave, beta wave, theta wave and delta wave. Alpha wave and beta wave, so beta wave occurs during the very stress or tension condition. Alpha is a quick wave, so person shift to beta alpha, so the person will calm in mind. नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, आप लोग हम लोग को जो पढ़ना है इधर देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ना है उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, आपको नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाने में मदद करते हैं। जैसे आपके न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक न्यूरॉन से ये न्यूरॉन से ये न्यूरॉन से, अब ये न्यूरॉन से में दूसरे न्यूरॉन को ले जाने में जो मदद करते हैं, ये आप जो देख रहे हैं न्यूरॉन्स के बीच में ये जो नर्व है, यहाँ पर बीच में क्या रहता है, इसमें रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, दिस इज नॉट न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर में जो है ये क्या करता है, ये कहाँ पे काम करते हैं, सिनैप्स के रीजन, सिनैप्स का मतलब होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं सिनैप्स। तो अब ये यहाँ पे काम करता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें वेरियस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिए क्या पहला जो नाम है, सबसे नाम है एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। दूसरा नाम है ये बहुत ज्यादा गलत, नॉर एड्रेनालीन। ये दो जो होते हैं ये दोनों मोस्ट कॉमन है, ये क्या है दोनों, ये मोस्ट कॉमन, और ये दोनों याद रखिएगा, दोनों बोथ आर स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, बोथ आर स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये दोनों स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है आपके, ये दोनों आपके न्यूरोस्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है आपकी यहाँ पे। अब उसके बाद दूसरा जो नाम है उसके बाद आते हैं दूसरा एक नाम है, थर्ड है गाबा और फोर्थ जो नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है, एक गाबा और दूसरा ग्लाइसिन होते हैं, ये गाबा और ग्लाइसिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो ग्लाइसिन और ये गाबा जो और ग्लाइसिन जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी है, दोनों बोथ आर इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का मतलब इनहिबिट करेगा, स्टिमुलेट नहीं करेगा, इनहिबिटरी यानी कि न्यूरल सिग्नल्स को क्या कर देगा, न्यूरल सिग्नल को बढ़ने नहीं देगा, रोकेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपके यहाँ पे आपके तीन जो चार आपके हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो आते हैं एक नाम है डोपामीन,
ये क्या करता है, ये इस तरह का बहुत है डोपामीन, ठीक है, ये मोनोअमीन है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। अगर आपका ये क्या करेगा, ये डोपामीन क्या है कि एक तरह से डोज सिस्टम में डोपामीन भी होते हैं, ये प्रॉपर मस्कुलर के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। अगर ये इसकी कमी हो जाए तो ये आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में आपका क्या करेगा कि वो सिग्नल नहीं मिल पाने के काम करेगा, या अपने मसल्स में क्या हो कन्वर्सन स्टार्ट हो जाते हैं, कन्वर्सन स्टार्ट हो जाते हैं तो जहाँ आगे चल के इस सिग्नल के कारण ही क्या एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम होता है पार्किंसन डिजीज। क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज के नाम से इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब आपके ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, बहुत है। उसके बाद कुछ रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग, जैसे होते हैं जैसे ओपीआर रिसेप्टर्स होते हैं, एलएसपी ये रिसेप्टर, ये सब कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स सेम रहते हैं जो आपके अलग अलग जो आपके साइकोजेनिक ड्रग्स होते हैं या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं उसकी मार्केट। तो ये मेनली आपको ये आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपको याद रखेगा, ठीक है। एक होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इतना इतना याद रखिएगा, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या करता है ये देखिए आप, सेरोटोनिन क्या करता है, कंट्रोल ऑफ मूड्स फीलिंग्स, ठीक है, कंट्रोल ऑफ मूड्स एंड फीलिंग, ये फीलिंग्स को कंट्रोल करता है आपके। ये सेरोटोनिन होता है डेरिंग कंडीशन होते हैं, अगर ये प्रॉपर सिचुएशन हो रहा है तो आप डेरिंग होते हैं, आप हैप्पीनेस कंडीशन बहुत अच्छा रहेगा आपका, आप खुश रहेंगे, आप कोई भी चीज आप अपना टेंशन मुक्त रहेंगे। तो ये आपके हम लोग पूरे सिस्टम देख लीजिए जिसमें हम लोग का है पहला है आप याद रखिएगा, पहला एसिटाइल कोलीन, सो एसिटाइल कोलीन एंड नॉन एडिनिन ये क्या है, ठीक है, इसमें तो ये आप, दूसरा क्या है गाबा, गाबा, तीसरा ग्लाइसिन, चौथा डोपामिन और सेरोटोनिन, दीज आर द आप लोग के न्यूरो ट्रांसमीटर है, यानी कि ट्रांसमिट द सिग्नल, ये सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट नर्व सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इसमें भी स्टिमुलेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं, डिक्रीज करेगा, कुछ होते हैं रिसेप्टर्स काम करेगा, कुछ एनहांसिंग होते हैं जैसे मसल्स में काम करना पूरे नाम से होते हैं, ये सब आपके, तो ये आपका उससे रिलेटेड है, ठीक है, यही तो रखते हैं। ओके, थैंक यू।